कुछ विशेष जानकारी देंगे जो आपके अगले संग्रहालय भ्रमण को और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक साबित कर सकता है। लगभग सभी संग्रहालयों में बुद्ध की कोई ना कोई प्रतिमा मिल ही जाती है। ये जो बुद्ध की मूर्तियाँ होती हैं, वो विभिन्न मुद्राओं में पाई जाती हैं। और अगर सूक्ष्मता से देखा जाए तो इनमें जो चित्रित चिन्ह है वो भी अलग अलग होते हैं, जो बुद्ध के विभिन्न रूपों की पहचान करवाते हैं। कालांतर में चूंकि बौद्ध धर्म में भी अनेक शाखाएं विकसित हुई, इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न देवी देवताओं की संकल्पना का उद्भव हुआ। अतः बुद्ध की मूर्तियों के लिए उनके अभिलाक्षणिक प्रतीकों का प्रयोग मूर्ति कला में होने लगा। बुद्ध की ये जो विभिन्न प्रकार की मूर्तियां होती हैं, उसकी पहचान इतिहास, पुरातत्व, कला इतिहास आदि से संबंधित विद्वान, शोधार्थी, विद्यार्थी तो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन एक आम दर्शक इनमें भेद नहीं कर पाता, क्योंकि उनके पास संदर्भ और चिन्ह चित्रण के ज्ञान का अभाव होता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2021 के अवसर पर हम ये जानेंगे कि संग्रहालय के आम दर्शक बुद्ध की जो विभिन्न प्रकार की मूर्तियां हैं उसकी पहचान कैसे करेंगे और उनका संदर्भ क्या है। बौद्ध धर्म में तीन यान बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, हीनयान, महायान और वज्रयान। हीनयान में भगवान बुद्ध भगवान के रूप में नहीं जाने जाते थे, वो एज ए मैसेंजर रिफॉर्मर, जो समाज में बुराइयां थी, कुरीतियां थी, उनको वो घूम घूम कर दूर करने का प्रयास करते थे। फिर पीरियड आता है फर्स्ट सेंचुरी एडी में, जब फोर्थ बौद्ध काउंसिल होती है, उसमें बौद्ध धर्म दो भाग में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। महायान वाले बुद्ध को भगवान मानने लगते हैं, उनकी पूजा करने लगते हैं, उनकी मूर्तियां बनाने लगते हैं और वो भगवान के रूप में उभर के आ जाते हैं। फिर पीरियड आता है वज्रयान यानी गुप्तोत्तर काल। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि वज्रयान की पढ़ाई लेट फेज में नालंदा ओल्ड यूनिवर्सिटी में शुरू हो गई थी, बाद में बिहार में एक अलग से यूनिवर्सिटी बनाई गई, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, 8वीं शताब्दी में धर्मपाल के द्वारा स्थापित की गई, जिसके रिमेंस भागलपुर के अंकिचक के पास से मिले हैं। स्वयं भू पुराण नेपाल की एक ग्रंथ है, उसमें ये उल्लेख मिलता है कि फायर फ्लेम से आदि बुद्ध उत्पन्न होते हैं, जिनके एक हाथ में थंडरबोल्ट, दूसरे हाथ में बेल होता है। ये मेल थे क्रिएटर, अब इनकी शक्ति के रूप में प्रज्ञा पारमिता का उल्लेख होता है। अब इनके रहने के लिए मंजूश्री के द्वारा स्वयंभू चैट का निर्माण करवाया गया था, ऐसा उल्लेख स्वयंभू पुराण में होता है। आदि बुद्ध और प्रज्ञा पारमिता से पांच बुद्ध उत्पन्न होते हैं और इन्हीं पांच बुद्ध और इनकी शक्तियों से पूरे बौद्ध परिवार की उत्पत्ति मानी जाती है। सबसे पहला ध्यानी बुद्ध अमिताभ, जब सिद्धार्थ बोधि वृक्ष के नीचे तपस्या में बैठते हैं तो उन्हें ध्यानी बुद्ध यानी अमिताभ के रूप में जाना जाता है। इनकी शक्ति के रूप में पांडा या पांडारा का उल्लेख मिलता है। दूसरा अछोर, जो भूमि स्पर्श मुद्रा में होते हैं, जब सिद्धार्थ ध्यान मुद्रा में रहते हैं तो मार नामक संसारिक मोहमाया उनके मस्तिष्क में घूमने लगता है। ये भूमि पकड़ के शपथ लेते हैं कि मैं ज्ञान प्राप्त करके रहूंगा। इस प्रकार अछोर, जिनकी शक्ति के रूप में मामूली या मामकी का उल्लेख मिलता है। तीसरा, जब भगवान बुद्ध प्रथम उपदेश देते हैं तो उन्हें धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा कहते हैं, जिन्हें बैरोचन भी कहा जाता है, जिनकी शक्ति के रूप में लोचन या लोचना का उल्लेख मिलता है। चौथा,
तमो सिद्धि अभय मुद्रा, ये घूम घूम कर वो ज्ञान बांटने का कार्य करते हैं। और अंत में रत्न संभव जब वो इस पृथ्वी पर से जाने लगते हैं तो सारा ज्ञान यहीं दे के जाते हैं। भरत मुद्रा जिन्हें रत्न संभव कहा जाता है, इनकी शक्ति के रूप में वज्रघा विश्वरी का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार पांच बुद्ध और उनकी शक्तियों से पूरे बौद्ध परिवार की उत्पत्ति मानी जाती है। मैं यहां पे स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वज्रयान में ये कंसेप्ट है कि जो भी देवी देवताओं का निर्माण किया गया उनके फोरहेड पे इन्हीं पांच बुद्ध में से किन्हीं एक का अंकन दिखाया जाता है जो इनसे उत्पन्न माने जाते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप मैं बताना चाहूंगा अवलोकिकेश्वर, अवलोकिकेश्वर के फोरहेड पे ध्यानी बुद्ध का अंकन होता है। ध्यानी बुद्ध और पांडा या पांडारा से अवलोकिकेश्वर की उत्पत्ति मानी जाती है। इसी प्रकार वज्रयान में जो भी देवी देवता बनाए गए बौद्ध धर्म में उनकी उत्पत्ति इन्हीं पांच बुद्धों से मानी जाती है। बौद्ध धर्म के वज्रयान में बुद्ध के साथ साथ अवलोकिकेश्वर और मैत्रेय भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बुद्ध से हम सभी लोग परिचित हैं। बुद्ध के ऊपर ही पूरे बौद्ध धर्म की नींव टिकी हुई है। परंतु अवलोकिकेश्वर के बारे में ऐसी मान्यता है कि बुद्ध के जाने के बाद एक देवता इस पृथ्वी पर आए हैं, वो अभी हैं और वो तब तक रहेंगे जब तक यहाँ सुख समृद्धि नहीं फैल जाएगी। सारे लोग सुख समृद्ध नहीं हो जाएंगे तब तक वो पृथ्वी पर रहेंगे। मैं बताऊं उनकी पहचान उनके फोरहेड पे ध्यानी बुद्धन अमिताभ का अंकन और उनके हाथ में लोटस का अंकन होता है। इन्हें प्रजेंट बुद्ध भी कहा जाता है। दूसरे मैत्रेय एज ए फ्यूचर बुद्धा। वज्रयान में यह मान्यता है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 4000 वर्ष बाद बुद्ध फिर से इस पृथ्वी पर पैदा लेंगे और वो जो अगला उनका रूप होगा वो मैत्रेय के रूप में जाने जाएंगे। उनकी पहचान उनके फोरहेड पे अस्तूप का अंकन और उनके हाथ में नीलोत्कमल का अंकन जो फ्यूचर लोटस के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार बौद्ध धर्म में बुद्ध को पास्ट बुद्धा, अवलोकिकेश्वर को प्रेजेंट बुद्धा और मैत्रेय को फ्यूचर बुद्ध के रूप में जाना जाता है।